ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், காம் பேசோ. ஹலோ, ஹலோ. ஆஜ் ஹம் ஆன்லைன் ஆய ஆர் கோய் ஹே நஹி. सबको चलें कोई है नहीं, लेकिन मैं सबको कहती हूँ मेरी तरफ से सबको दिल से जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो. और अभी मैं शो करके निकली हूँ. वहाँ पे हमने केक काटा है और हमने बहुत मज़ा किया स्टेज पे. और अभी मैं शो करके अपना निकली हूँ और मैंने बाहर हूँ. रश बहुत ज़्यादा है और बहुत मज़ा आ रहा है और जश्न आज़ादी मना रहे हैं हम. और आप लोगों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत 14 अगस्त मुबारक. अच्छा जी, दानी कैसी हैं आप जनाब जी? मैं ठीक, आप सुनाएं कैसे हैं? सुहेल आमिर, माशाल्लाह, थैंक यू सो मच. जुएब खान, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, थैंक यू सो मच आपको भी. राणा साहब, सलाम फ्रॉम न्यूयॉर्क, ओ गुड. मैं तो हूँ रिजवान. हे जी रिजवान साहब, कैसे हैं आप? तबीयत कैसी है आपकी? बहुत क्यूट लग रही हैं दानी, थैंक यू सो मच दानी. सुहेल आमिर, सलाम फ्रॉम यूएई. उमर साहब, आई लव यू अलॉट, थैंक यू जी. आप लोगों का प्यार है, आप सब मुझसे प्यार करते हैं बहुत ज़्यादा. आज़ादी मुबारक रुहेब अमान, थैंक यू जी, आपको भी बहुत बहुत आज़ादी मुबारक. रिजवान, ठीक, आप सुनाएं? मैं भी ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का, मज़ा कर रही हूँ, इंजॉय कर रही हूँ बाहर. गर्मी भी बहुत ज़्यादा है भाई. नासिर मलिक, आज़ादी मुबारक आपको भी. रिजवान, लास्ट वीक आपका ड्रामा देखा गुजरांवाला, थैंक यू सो मच. कैसा लगा आपको? अच्छा लगा होगा. असद, यू आर सो ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच. दानी, आपकी शादी हो गई? ओह, मेरी अभी शादी नहीं हुई, इंशाल्लाह जब होगी, कभी भी जब होगी इंशाल्लाह. शादी करना बुरी बात तो नहीं है, शादी हर किसी की होती है. इंशाल्लाह जब होगी आप सबको पता होगा और आप सब आएंगे. और किसी ने कोई कमेंट, कोई सवाल पूछना हो तो मुझसे पूछ लें, क्योंकि मैं अभी ऑफलाइन चली जाऊँगी. मैं थोड़ी देर के लिए लाइव आई हूँ फ्रेंड्स को आज़ादी मुबारक कहने के लिए. अब भाई बात करनी है. चौधरी वकास, मैंने कमेंट मिस कर दिया, मुझे आपकी समझ नहीं आ रही क्या कहा है. चौधरी वकार और उमेर आमिर, आजकल आप ड्रामा किधर कर रही हैं? जी मैं लाहौर महफिल थिएटर में ड्रामा कर रही हूँ और बहुत अच्छा ड्रामा है, उसकी कास्ट बहुत अच्छी है. साइमा खान है, निदा चौधरी जी हैं, सुनहरी खान है, मैं हूँ, सरदार कमाल है, अकरम उदास है, आमिर सोना है, शकील चंद है, सारी कास्ट मैंने आपको बता दी. रिजवान, बहुत अच्छा, लेकिन आपको बहुत सेल्फीज का कहा लेकिन टाइम नहीं दिया, सॉरी. दरअसल आपने, हाँ मुझे याद आ गया, आपने सेल्फी का मुझे स्टेज पर कहा था. हमें परमिशन नहीं होती है, तो हम लोग जब इंटरवल हो जाते हैं तो हम लोग बैक स्टेज चले जाते हैं. सुहेल आमी, आई विश वन डे आई विल सी लाइफ ब्यूटीफुल आर्टिस्ट एंड आर्टिस्ट स्पेशली जफरी खान, प्लीज से इस्लाम टू जफरी खान. जी जी, मैं आपका इस्लाम ज़रूर जफरी खान साहब को दूंगी, वो इस टाइम इंडिया है और जब आएंगे इंशाल्लाह. चौधरी वकार, मैंने कहा आपने मेरा कमेंट मिस कर दिया, सॉरी, क्या कमेंट था आपका, प्लीज़ मुझे दोबारा कहें. शाबाज, हेलो, कैसे हैं आप? रिजवान, इट्स ओके जनाब. और
मेरी फैमिली मेरे साथ है और वो मुझे सारे तंग कर रहे हैं इस टाइम पे। निसार मलिक, आपकी वीडियो से सही नहीं आ रही जी। इसलिए नहीं आ रही क्योंकि मैं गाड़ी में बैठी हुई एंजॉय कर रही हूँ और इसलिए वही जट लिपस्टिक अच्छी नहीं लगाई लग रही। हाँ, टिश्यू से फिर साफ कर दूं। अभी ड्रामा करके आई हूँ तो इस वजह से आपको शायद पसंद नहीं आ रही होगी, लेकिन मुझे बहुत पसंद आ रही है। आप लोगों के चक्करों में मेरा जूस मेरे ऊपर गिर गया। टिश्यू देना भाई। आ भाई क्या हो गया? एक मिनट में जरा साफ कर लूं। तो मैं क्या कहूँ आप सबको। अच्छा जी, उमेर आमिर प्लीज आप मुल्तान स्टेज जी। मैं मुल्तान भी इंशाल्लाह आऊंगी, जब आऊंगी आपको बताऊंगी। नवाब यार नहीं करो ना यार। हेलो प्रिया, हाउ आर यू जी? मैं ठीक ठाक। सहेल आमिर, जफरी खान इज बेस्ट विशेस यू, बेस्ट ऑफ लक यू एंड ऑल जी जी। थैंक यू। यार ये पकड़ लो ना। आपने कब आना है गुजरावाला? इंशाल्लाह जल्दी आऊंगी और जब आऊंगी फिर बताऊंगी। चले आ रही हूँ, ठीक है। और सबको भी एक बात मैंने बहुत जरूरी कही थी, मेरी किसी पे मतलब प्लीज, मेरी फैमिली साथ है, वो लोग मुझे बहुत हंसा रहे हैं, तो मैं आपको ये कहूंगी कि मेरी किसी भी पिक पे गंदा कमेंट ना करें, ठीक है, और अच्छे अच्छे कमेंट पास किया करें प्लीज। और जिसने मेरी पिक पे, मेरी वीडियोस पे, मेरी किसी भी पोस्ट पे गंदा कमेंट किया तो मैं उसको बैन कर दूंगी, ब्लॉक, तो मैं उसको बैन कर दूंगी, अपने पेज से ब्लॉक कर दूंगी, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसे अच्छा नहीं लगता जो आप लोग कमेंट करते हैं। प्लीज आप लोग मेरे फैन है, मेरे फ्रेंड्स है, सॉरी बीच में कॉल्स आ रही हैं, तो प्लीज़ अच्छे तरीके से बात करें, अपना ख्याल रखें सब, और कोई मेरे पेज पे कोई गंदा कमेंट लूज तो टॉकिंग ना करें प्लीज़, आपकी मेहरबानी होगी, वरना मैं उस इंसान से बात नहीं करूँगी। आप सब मेरे फैंस हैं, मेरी इज्जत के काबिल हैं, मैं आप सबकी इज्जत करती हूँ, दिल से करती हूँ, और आप सब अपना ख्याल रखें बहुत बहुत। अब मैं निकल रही हूँ क्योंकि मेरे घर वाले बोल रहे हैं कि आप हमें टाइम दे रही हैं या किसी और को, तो मैंने कहा इनके साथ भी मेरा मुझे टाइम देना पड़ता है क्योंकि आप सब भी मेरे लिए इम्पॉर्टेंट हो और मेरी फैमिली भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा बहुत बहुत, और पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।